A very good morning to all of you. This is Kamal Roy, your computer teacher. And today we are going to discuss history of computer, your chapter number 2. आज आपसे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात करेंगे. कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, चलिए आगे देखते हैं. इन एंशियंट एज अर्ली मैन्स रोम्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड सच एज एनिमल्स. लेटर ही ग्रीव क्रॉप्स एंड स्टार्ट डोमेस्टिकेटिंग कैटल such as sheep, cows, and goat. Man used to count animals using the pebbles to ensure that the number of cattle was equal to the number of pebbles. ये बात उस वक्त की है जब इंसान को गिनती नहीं आता था और उनको पशुपालन करना होता था. सोचिए बहुत सारे वहाँ पे एनिमल्स हैं और किसी इंसान को उसको चराने ले जाना होता है जंगल में, तो वो कैसे ले जाते होंगे, उनकी गिनती कैसे रखते होंगे. तो गिनती करने के लिए वो अपने हाथों में बहुत सारे पत्थर लेते थे. जितने भी एनिमल्स उनको ले जाना है उतने सारे पत्थर्स वो अपने हाथ में रख लेते थे. फिर उनको चराने वगैरह करके फिर वो जब वो वापस लाते थे तो जितने पत्थर हाथ में हैं उतने सारे एनिमल्स हैं कि नहीं वो देख लेते थे. अगर दोनों बराबर है तो सही है, लेकिन अगर हाथ में पत्थर जितने हैं उससे कम अगर एनिमल्स हो गए तो समझ जाइए कोई ना कोई गायब हो गया. तो इसी तरह से गिनती होता था एंशिएंट एज में. लेटर ही यूज्ड हिज फिंगर्स फॉर काउंटिंग. जैसे अब मैथ्स क्लास में फिंगर्स के द्वारा भी काम करते थे ना, उस समय फिर जब पत्थरों के से गिनती होना शुरू हुआ था तो वो बहुत टफ था, तो इंसान फिर धीरे धीरे उंगलियों से गिनती करना शुरू किया. सम पीपल्स मेड अ डिवाइस हेल्प इन काउंटिंग. दिस डिवाइस वॉज कॉल्ड एबकस. दिस इज स्टिल इन यूज इन चाइना, जापान एंड रसिया. हेयर इज द फिगर ऑफ एबकस. सो द एबकस इज अ सिंपल एंड एन इफेक्टिव मैनुअल कैलकुलेटर और कैलकुलेटिंग डिवाइस. बहुत दिन के बाद बहुत सारे पीपल मिलके एक गिनती करने वाली मशीन बना दी है जिसे एबकस कहते हैं. आजकल के दिन में भी ये चाइना, जापान, रसिया में भी इसका इस्तेमाल होता है. और हमको तो लगता है कि आप में से भी कई लोग शायद एबकस क्लास यहाँ पे जाते भी होंगे, कई लोगों के एबकस के बारे में आइडिया भी होगा. एक्चुअली एबकस क्या है, एक सिंपल और इफेक्टिव कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये. In 1642, a Frenchman, Blaise Pascal, invented a machine that was a simple calculator used for addition and subtraction. It was called an adding machine or Pascaline. Here is the figure of Pascaline. 1642 में एक Frenchman, Blaise Pascal, ने एक पहला calculator बना डाला. लेकिन उस समय जो calculator वो बनाया, figure में देख सकते हैं, उसमें केवल जोड़ना और घटाना ही संभव था. लेकिन बाद में भी वो और उस पर और मेहनत करके जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागा, यानी ये चारों काम उसमें करने लायक उसको बना दिए थे. लेटर ऑन चार्ल्स बाबेज एन इंग्लिश मैन वांटेड टू मेक अ मशीन विच कुड टेक सम लॉजिकल डिसीजंस इटसेल्फ. चार्ल्स बाबेज, बहुत दिन के बाद चार्ल्स बाबेज को लगा कि मशीन में कोई लॉजिकल कैलकुलेशन जैसे ग्रेटर देन लेस देन का काम नहीं होता. वो चाहते थे कि मशीन एक ऐसा मशीन बने जिसमें केवल अर्थमेटिक, जोड़ घटाओ गुना भागा के अलावा भी उसमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू का काम हो. देन ही डिजाइंड अ मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन दैट कुड डू वेरी बिग कैलकुलेशंस. ही मेड अनदर मशीन नोन एज एनालिटिकल इंजन दैट कुड वॉक फास्टर. उन्होंने लॉजिकल ऑपरेशन के लिए उन्होंने पहले मशीन बनाया डिफरेंस इंजन, जो पहला फोटो है आपका. और इस डिफरेंस इंजन में बड़े बड़े टाइप के कैलकुलेशन इसमें हो सकते थे, बट ये बहुत स्लोअर था. तो उन्होंने एक और मशीन बनाया जिसको एनालिटिकल इंजन बना बोलते हैं. ये उससे कहीं ज़्यादा फास्टर है, फास्टर था सॉरी. Later, on after one century, computer were made using his ideas. This is why Charles Babbage is called father of computer.
अब जितने भी कंप्यूटर उसके बाद बनने लगे सब उन्हीं के आइडिया से बनने लगे, तो उनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाने लगा।